Hi, good evening viewers, and tomorrow being a Children's Day, today we are shooting a very, very important video with a very renowned pediatric surgeon, Dr. Hemant Lahoti. So sir, can you please give in short about your educational, from where have you done your education and all? Namaskar, mera naam Dr. Hemant Lahoti hai, main pediatric surgeon hoon. पीडियाट्रिक सर्जन वो होते हैं जो जन्म से लेके 18 साल की उम्र तक के पेशेंट्स का ऑपरेशन से इलाज करते हैं. और आप सभी को राष्ट्रीय बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. सर, थोड़ा सा आपने बताया नहीं कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है. जी, मैं पीडियाट्रिक सर्जरी का MCH डिग्री होता है हमारे देश में, वो मैंने KM हॉस्पिटल मुंबई और GS मेडिकल कॉलेज से किया है. और मेरा बाकी की शिक्षा जो है वो शोलापुर और मिरज में हुई है. तो सर, आपने शायद वाडिया हॉस्पिटल से किया है, वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो ये अपने देश का वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर हमें समय देने के लिए. तो सर, हम पहले से स्टार्टिंग से जानना चाहते थे कि अगर कोई लेडी है जिनका कोई सोनोग्राफी हुआ है और उसमें बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, तो क्या आप ऐसे पेशेंट्स को भी काउंसिल या ऐसे मदर्स को भी आप उनको काउंसलिंग और डीलिंग, मतलब डू यू डील विद सच केसेस? जी देखिए, हर 100 प्रेगनेंसीज का जब सोनोग्राफी होता है तो उसमें से तीन से पाँच प्रेगनेंसीज में ऐसे बच्चे सोनोग्राफी में दिखते हैं जिनको कोई ना कोई जन्मजात बीमारी है. और ऐसी बीमारियों के लिए एक काउंसलिंग सेशन होता है जिसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमारे पास भेजा जाता है, उसको कहते हैं प्रीनेटल काउंसलिंग. तो जो मतलब मदर्स हैं जिनके सोनोग्राफी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो एक पीडियाट्रिक सर्जन को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस पे या वैसे भी वो आपको या किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन को अप्रोच कर सकते हैं. सर, किस तरह का कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है ऐसा? सबसे कॉमन बीमारियां होती है यूरोलॉजी की, मतलब किडनी में थोड़ा सा सूजन रहता है किसी बच्चे को, पेशाब की नली में प्रॉब्लम रहती है. अलग अलग तरह की हर किस्म की बीमारियां जो है वो एंटीनेटल स्कैन सोनोग्राफी जो होता है उस पर आजकल डिटेक्ट किया जा सकता है. लेकिन मैं ये बताऊँ आपको कि एंटीनेटल स्कैन, ये स्कैन से डरने की चीज़ नहीं है. ये एंटीनेटल स्कैन से हमको बीमारी का पहले से पता चल जाता है, मतलब हम प्रोग्नोसिस कर पाते हैं कि ये बच्चा कैसा आगे चल के करेगा. और पेरेंट्स शायद मानसिक रूप से तैयार भी हो पाते होंगे कि आगे उनको किस तरह का. सर, क्या ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें बच्चे को टर्मिनेशन या इस तरह का भी आप लोग एडवाइस करते हैं? टर्मिनेशन जनरली एडवाइस नहीं किया जाता है. टर्मिनेशन सिर्फ ऐसी बीमारी के लिए किया जाता है जहाँ पे बच्चे का जीवित रहना या अच्छी तरह से आगे चल के उसकी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छा नहीं है तो ऐसी बीमारियों में टर्मिनेशन एडवाइस किया जो कि बहुत रेयरली होता है. बहुत रेयरली होता है. कुछ बीमारियां होती है जैसे एनेनकेफेली है, एबट सिंड्रोम है. सर, एनेनकेफेली एक जनरल आदमी के लिए, मतलब जिसमें बच्चे का सर डेवलप नहीं हो पाता है. एनेनकेफेली ये बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है. तो ऐसे बच्चों को कोई भविष्य नहीं होता है. तो सर, कितनी जल्दी ये हम सोनोग्राफी पे देख पाते हैं इस तरह का? सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड जो 14 से 18 सप्ताह के बीच में करते हैं उसमें ज्यादातर बीमारियों का पता चल जाता है. अच्छा सर, अभी मूविंग ऑन की अगर मतलब मुझे ऐसे लगता है सर कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक रियली सुपर स्पेशलिटी है, क्योंकि आप लोग एक तो बहुत छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं जो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते, और दूसरे एक ये ग्रोइंग फिनोमिना है ना कि आप जो भी कर रहे हैं वो बच्चा ओवर द टाइम ग्रो हो जाएगा, तो आप जो भी करते हैं तो मुझे बहुत स्पेशली ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विशेष सुपर स्पेशलिटी है. जनरल क्या बच्चे देखे जाते हैं सर आपकी प्रैक्टिस में, क्या किस तरह की परेशानियाँ लेके एक साल से नीचे के किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास? देखिए, एक साल के नीचे तो ज़्यादातर जन्मजात बीमारियाँ होती हैं. अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे किडनी का सिस्टम है, पेट का है, छाती का है, हर सिस्टम में बीमारियाँ होती हैं. और जिनसे जनरली पहले बच्चे अपने पीडियाट्रिशियंस के पास ले के जाते हैं पेरेंट्स, और वहाँ से डायग्नोस होकर पीडियाट्रिशियंस हमारे पास रेफर कर देते हैं. इन जनरल पेरेंट्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो तीन चीज़ें हैं अगर आपके बच्चे में आपको दिखती हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको सर्जिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना चाहिए. वो तीन लक्षण है, दर्द होना, ब्लीडिंग किसी भी अंग से होना और स्वेलिंग आना.
तो ये तीन अगर लक्षण दिखते हैं, स्वेलिंग मतलब सूजन, सूजन आ रही किसी भी शरीर के किसी भी अंग में अगर सूजन है, वहां से खून आ रहा है या वहां पे दर्द हो रहा है जोर से, तो ऐसे बच्चों को सर्जिकल प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जहां पर आप डायरेक्टली पीडियाट्रिक सर्जन के पास भी जा सकते हैं। सर, एक जनरल पीडियाट्रिक सर्जरी में आप लोग सारे अंगों का ऑपरेशन करते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा है जो एक्सक्लूडेड रहता है? जी बिल्कुल, जैसे कार्डियक सर्जरी हो गई, ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हो गया, हड्डियों की बीमारियां कुछ होती हैं, तो जो एडवांस्ड सर्जरीज हैं इन सिस्टम्स की, वो हम लोग नहीं करते हैं, वो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। इन जनरल कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, उनका इलाज हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हर्निया हो गया या अपेंडिसाइटिस हो गया, तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। सर, हम लोग एक बहुत कंसर्न रहता है एज अ पेरेंट कि अगर बच्चे की कोई सर्जरी है तो पेरेंट्स बहुत नर्वस हो जाते हैं। एक तो ये बात है कि कंसेंट जो है वो आप बच्चे के बिहाफ पे पेरेंट्स दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कहते हैं कि बच्चे को भूखा रखना है, तो इसके लिए अगर पेरेंट्स नर्वस हो तो आप नॉर्मली कैसे काउंसिल करते हैं बच्चे? देखिए, ये आपने सही कहा कि जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको कोई भी बात समझ नहीं आती, तो पेरेंट्स के ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है कि आप किसी और के लिए जब डिसीजन लेते हो तो आपको कई सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए सर्जरी एडवाइस होने के बाद आपको आपके डॉक्टर साहब एक काउंसलिंग करते हैं, जिसमें कई सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, जैसे कब एडमिट होना है, भूखा कब से रखना है, कैसे समझाना है बच्चों को, क्या रिस्क्स होती हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस है, खर्चा कितना आएगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में पेरेंट्स को समझाई जाती हैं। इस काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप डर जाओ, लेकिन आपको पूरा जानकारी होना ज़रूरी है आपके अपने नॉलेज के लिए और मेडिको लीगली भी। आपको ये सारी बातें समझकर आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको सर्जरी करानी है कि नहीं करानी। इशू ये है कि जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तब तक बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको डरना नहीं है। अब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज हमारे देश में जहाँ पर हम लोग काम करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इवन बहुत बुरी बीमारियों से भी पूरी तरह से ठीक होते हैं और साफ सुथरी ज़िंदगी जीते हैं। जैसे जन्म के बाद तुरंत कई सारे बच्चों का इलाज करना पड़ता है ऑपरेशन से, तो ऐसे बच्चों का उम्र जो है वो एक दिन दो दिन ऐसे होती है, उनका वज़न 1 किलो 2 किलो ऐसे होता है, फिर भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी इतना सारा एक्सपर्टीज अभी अवेलेबल है कि ये सारे बच्चे में भी सर्जरी का रिजल्ट इज मोर देन 90%। तो पेरेंट्स को मेरी ये सलाह है कि आप डरे नहीं, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले पीडियाट्रिक सर्जन से, तो ये भी ठीक है कि वो अगर दूसरे डॉक्टर साहब भी वही बताते हैं तो आपका विश्वास और बढ़ जाता है कि हाँ भाई कर सकते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, न्यूट्रल साइट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे ई मेडिसिन है या मेडस्केप है, वहाँ से भी काफी इन्फॉर्मेशन। सर, आपने अभी एक मेंशन किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के तुरंत बाद आप सर्जरी के लिए लेते हैं, सर इनके बारे में थोड़ा सा अगर हमको बताएंगे कि आप किस तरह का काम करते हैं? कुछ जो थोड़ा बहुत हमें पता है कि जब कभी कभी सांस की नली नहीं बनी रहती या खाने की नली नहीं बनी होती या संडास और पेशाब करने की जगह नहीं बनी होती, तो ये सारी बीमारियां जो आपने गिनाई वो और उसके अलावा भी कई सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को जन्म से होती है। अब ज़्यादातर बीमारियों का पता चल जाता है अगर अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड किया गया हो, फिर भी 25% सोनोग्राफी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव होता है, तो वो 100% आपको नहीं दिखा पाता। जन्म के तुरंत बाद जब पीडियाट्रिशियन न्योनेटोलॉजिस्ट देखते हैं बच्चों को, तो ऐसे बच्चों में बीमारी पाई जाती है, फिर पीडियाट्रिक सर्जरी इन्वॉल्व होता है, पीडियाट्रिक एनास्थीशिया है, इंटेंसिव केयर है, तो मतलब पूरी टीम लगी। जी जी जी, पूरा पूरा टीम लगता है, मतलब ये एक छोटे नर्सिंग होम में ना करके किसी अच्छे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चों का मैनेजमेंट ज्यादा सही। बिल्कुल, हमेशा। और यही एक फायदा है एंटीनेटल डायग्नोसिस का, जैसे आपको पहले से मालूम है बच्चे को बीमारी होने वाली है, तो आप फाइनेंशियली इमोशनली साइकोलॉजिकली लॉजिस्टिकली प्रिपेयर हो सकते हो, किसी अच्छे अस्पताल जा सकते हो जहाँ पे ये पूरा टीम अवेलेबल है। बच्चों का सर्जरी एक आदमी का काम नहीं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कई बार सर्जरी से भी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया ले लीजिए या नियोनेटल इंटेंसिव केयर ले लीजिए। सर आपकी बातों से इतना तो हमारे दर्शकों को और मुझे भी समझा कि एक रीअश्योरिंग बात है कि पीडियाट्रिक सर्जरी इतना एडवांस हो गया है जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों को एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज सोनोग्राफी में कुछ अबनॉर्मेलिटी आ गई है, डरने की तो जरूरत नहीं, आप अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन से काउंसलिंग करें और फिर जैसा वो एडवाइस करें वैसे करें। सर एक जानना था कि किस तरह के बच्चे आपको इमरजेंसी में आते हैं। देखिए ज्यादातर बच्चे एक्सीडेंट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं वो दे आर बाय एक्सीडेंट, बिकॉज सुसाइड इज एन एडल्ट टेंडेंसी। बच्चे हमेशा सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में रहते हैं, फिर भी कई बार बच्चे गिर जाते हैं खेलते कूदते समय, पानी से कई बच्चों को बर्न्स हो जाती हैं। और एक टिपिकल चीज़ है जो बच्चों में पाई जाती है वो है फॉरेन बॉडीज। बच्चे नेचुरली इंक्विजिटिव होते हैं, हर चीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने हाथों से अपने मुंह से, और ये करते समय छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनके सांस की नली में या खाने की नली में जाके अटक जाती है, इसको कहते हैं फॉरेन बॉडी। अब ये पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि हर इमरजेंसी का एक फर्स्ट एड होता है। जैसे आपका बच्चा गिर गया मान लीजिए, जख्म हो गया, तो आपको वहाँ पर हल्दी चीनी चूना कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि उससे वो कॉन्टेमिनेट होता है और ट्रीटमेंट डिफिकल्ट, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बस एक साफ रुमाल लेना है, प्रेशर देना है वहाँ पे, कितना भी बड़ा ब्लीडिंग हो वो 3 मिनट के प्रेशर से रुक जाता है जब आपको डॉक्टर साहब के पास ले जाना है। सेम बर्न्स का है, जलना ये कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में, लेकिन आपको उसके ऊपर स्याही कोलगेट ऐसा कुछ नहीं लगाना है। आपको वो पार्ट पानी के जो नल का पानी है उसमें आपको 5 मिनट के लिए रखना है और क्लीन कपड़े से कवर करके डॉक्टर साहब के पास ले जाना है। फॉरेन बॉडीज जो होती हैं उसके लिए आपको बड़ा ध्यान देना होगा, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं टॉयज के, कॉइन्स होते हैं, जनरली टॉय पार्ट्स कॉइन्स और नट्स जो होती है जैसे मूंगफली हो गया या आमंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें कॉमन है जो आपके बच्चों के सांस के और खाने के नली में अटकेंगी। तो आपको सावधान रहना है उनके अराउंड, छोटे टॉय पार्ट से अगर कोई खेल रहा है बालक तो उसके साथ आपको रहना चाहिए। ये चीज़ें जब अंदर जाके फंस जाती हैं तो बच्चों को सडनली प्रॉब्लम आती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो गई या खाना नहीं जा रहा है, पानी नहीं पिया जा रहा है, ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर साहब को फ़ोन करना नहीं है। कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है फ़ोन करेंगे फ़ोन पे इलाज हो जाएगा, ये गलत बात है, फ़ोन पे कुछ इलाज नहीं होता है। आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन में आपके बच्चों को जो पास में बड़ा अस्पताल है वहाँ पे ले जाना है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाके या किसी को फ़ोन करके इलाज नहीं होता है। प्रीशियस टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, जिसको गोल्डन आर कहते हैं। करेक्ट, वो आप समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। बड़े अस्पतालों में 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है, सीनियर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो आपके बच्चे का सही इलाज। सर ऐसा है ना कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो दूर दराज की जगहों में भी रहते होंगे जहाँ इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता है, तो या ऐसा जैसा आपने कहा कि तुरंत ही अक्यूट प्रॉब्लम है तो वो तो जाएंगे ही जो भी पॉसिबल है, बट क्या ऐसा भी होता है कि कोई फॉरेन बॉडी है और बहुत दिनों तक उसके बारे में पता ना चले, तो वो बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं? जी ये भी कई बच्चों में देखते हैं हम लोग, जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, 4-5 बच्चे हैं, माता जी काम कर रही है किचन में, फादर काम पे, तो कई बार आपको पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को फॉरेन बॉडी हो गया है। तो ऐसे इसमें कई दिनों तक बच्चों को, जैसे अगर सांस की नली में फॉरेन बॉडी चला गया तो बच्चों को खांसी का तकलीफ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर बुखार आएगा, फिर जब और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है तब जनरली डॉक्टर के पास लिया जाता है। अब वो डॉक्टर साहब जब हिस्ट्री पूछते हैं तो उसमें कोई हिस्ट्री नहीं रहता है फॉरेन बॉडी, इसलिए डॉक्टर्स का ये ज़रूरी है कि उनका हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो, स्पेशली 1 साल से 4 साल तक की उम्र में सबसे ज़्यादा कॉम फॉरेन बॉडीज आती हैं। तो ऐसे केसेस में जब कोई बच्चा आता है विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है इसमें फॉरेन बॉडी हो, फिर एक्सरे सीटी फिर बाकी जांच करके उसे कंफर्म किया जा सके। सर एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि एक्सीडेंट का, तो मैं सोच रही थी कि छोटे बच्चों में तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कोई कांच का पीस घुस जाता है या कोई नुकीली चीज घुस जाती है, तो ऐसे में पेरेंट्स तुरंत क्या कर सकते हैं जब वो दिख रहा है कि कुछ अंदर घुसा हुआ है या कुछ ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट है? ऐसे सिचुएशन में भी कई सारे पेरेंट्स का पहला इंस्टिंक्ट होता है कि उसको किसी चीज़ से पकड़ के या ट्वीज़र से निकाल दें,
ये बड़ा ही खतरनाक मनोवर है, कभी ऐसे ना करें। जो बालक दर्द की वजह से शांत नहीं है, इसमें अगर आप मैनिपुलेट करते हो बिना एनास्थीसिया, तो वो फॉरेन बॉडी और अंदर चली जा सकती है या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को इंजोर कर सकती है। ऐसे हालत में आपको तुरंत नज़दीक वाले अस्पताल में जाना चाहिए, वहाँ पे मतलब उससे छेड़छाड़ ना करें, जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास। सर अभी ये तो कुछ जैसे आपने कहा था कि बच्चे अधिकतर जो है वो हर्निया, हाइड्रोसील, सर्कमसिशन, इन सब परेशानों से आते हैं, तो एक नॉर्मल बच्चे को ऑपरेशन के बाद रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेरेंट्स भी पूछते हैं कितना टाइम लगेगा रिकवर। देखिए, बच्चे जनरली कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो सर्जरी के बाद नहीं कर पाएंगे। जैसे आप काम पे जा रहे हो, आप नहीं जा पाते हो, लेकिन बच्चे का सिर्फ स्कूल कुछ दिनों के लिए ये किया जाता है। कॉमन जो प्रॉब्लम है, हर्निया, हाइड्रोसील, ये सारी चीज़ें जो आप कहते हो, ये जनरली अब डे केयर सर्जरी होता है। डे केयर सर्जरी का मतलब है आप सुबह एडमिट होते हो, ऑपरेट होते हो, शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलते खाते पीते उन सारे बच्चों को घर भेजा जाएगा। अब छोटे बच्चों के सर्जरी में ड्रेसिंग करना, पट्टी निकालना, टांका निकालना, ये सब झमेला नहीं है। अच्छा। इतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के अंतराल में होती है। तो बच्चे अपना कपड़ा वपड़ा पहन के रेगुलर घर में एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हैं, जैसे फाइटिंग, फुटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग, ये विगरस एक्टिविटीज़ को ये कहा जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए ना अवॉइड करें। ठीक है सर, पीडियाट्रिक सर्जरी में कुछ सर्जरीज होती हैं जो कि स्टेजेस में की जाती हैं, जिनको ऐसा नहीं है कि हम एक बार लेके गए, सर्जरी हो गई और बेबी बाहर आ गया। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको दो तीन या चार सर्जरी लगने वाली है, इनको आप कैसे काउंसिल करते हैं पेरेंट्स को? देखिए, मल्टीपल सर्जरीज लगने की दो वजह हैं। एक तो शुरू से आपने स्टेजेस में प्लान किया है, जैसे एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, मतलब संडास की जगह नहीं होता है कुछ बच्चों में, या जैसे मान लीजिए बहुत सीवियर हाइपोस्पेडियास की बीमारी है, हर्शप्रंग डिसीज है, तो ऐसे सर्जरीज, ऐसी बीमारियों के लिए सर्जरी शुरू से प्लान होती है कि हाँ भाई ये दो स्टेज लगेंगे, तीन स्टेज लगेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि सर्जरी, मल्टीपल सर्जरीज लगने का कारण होता है कॉम्प्लिकेशन। हर 100 बच्चे जब जिनका सर्जरी होता है, उसमें से 5-7% रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशन का, कितना भी अच्छा काम करने के बाद। तो ये सारी बातें पेरेंट्स को पहले, सर्जरी के पहले ही डिटेल में समझाई जाती हैं, कुछ डायग्राम्स निकाल के, कुछ पुराने पेशेंट्स का रेफरेंस दे के, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को डिटेल में समझाई जाती हैं कि ये सर्जरी अभी कर रहे हैं, दूसरा सर्जरी 6 महीने बाद, तीसरा सर्जरी ऐसे, तो पेरेंट्स उस हिसाब से रेडी रहते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है दुर्भाग्यवश, तो थोड़ा और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वहाँ पर भी पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके वश में नहीं है। ज़्यादातर बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड पेशेंस कि बच्चे एकदम रिकवर हो जाएंगे, तो उन्हें नर्वस नहीं होना है। और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और आपसे तो बहुत सारे बच्चे बड़े होके भी मिलने आते होंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर आपका? फिर अब ये हालत हो गई है कि हमने जिसका सर्जरी किया था पहले पहले, अब उनके बच्चे भी आते हैं सर्जरी के लिए, तो अच्छा लगता है। छोटा सा बालक देखा रहता है, फिर वो डायरेक्टली बड़ा होके कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया या कुछ ट्रॉफी लेके आते, तो अच्छा लगता है। सो बहुत ही रिवॉर्डिंग ब्रांच है आपकी सर। ओके सर, एक मन में सवाल था कि हमारे पास तो जनरल सर्जन भी रहते हैं और वो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग, मतलब एक पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग और एक जनरल सर्जन की ट्रेनिंग में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपली क्या डिफरेंस है? जी देखिए, हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं है कि कौन किसका इलाज करे। ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रेनिंग पे आपने कितना काम किया है उसके ऊपर। इन जनरल अगर आप देखें तो पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो ऑलरेडी जनरल सर्जरी पास कर चुके होते हैं, उसके बाद 3 साल तक उनका रिगरस ट्रेनिंग होता है सिर्फ पीडियाट्रिक सर्जरी में, जहां पर वो सिर्फ बच्चों के सर्जरी का अभ्यास करते हैं, वही काम करते हैं और कुछ नहीं। ऑब्वियस है, अगर आप कोई चीज़ बार बार वही वही काम करोगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे लोगों से बेटर हो जाओगे। तो बच्चों का जहाँ तक सवाल है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएं। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें ऐसे सर्जन के पास जाएं, सीनियर सर्जन, जो एटलीस्ट पीडियाट्रिक सर्जरी में ट्रेंड हो। अब तो खैर इतने सारे बड़े शहरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती,
लेकिन गांवों में अभी भी जनरल सर्जन्स और ये लोग करते हैं। मुझे लगता है कि छोटी मोटी चीज़ ठीक है, लेकिन बड़े सर्जरीज, अगर आपका ट्रेनिंग नहीं है तो आपको ये मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए। जो इंसान उसी विषय में ट्रेंड है उसी के पास आपको ले जाना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटा सा और भी था कि एकदम एब्सोल्यूट इमरजेंसी बर्थ पे क्या हो सकती हैं जो आप रेगुलरली डील करते हैं कि एकदम जीरो आवर, मतलब बच्चा डिलीवर हुआ और उसे तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत पड़ेगी। जी अच्छी बात यह है कि ऐसी ज़्यादा बीमारियां होती नहीं हैं जो कॉमन या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको ट्रेखियोलिट्रीजिया कहते हैं, उसमें आपका सांस का नली जो है वो ठीक से बना नहीं होता है। स्वाभाविक है अगर ऐसे बच्चा जन्म लेता है तो सांस ही नहीं ले पाएगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे सिचुएशन में एक प्रोसीजर होता है जिसको एग्जिट प्रोसीजर कहते हैं, एग्जिट EXIT। तो उसमें ऐसा करते हैं कि बालक अभी भी माता से अटैच्ड हैं लेकिन वो सेपरेट करने के पहले उसका सांस की नली में छेद बना के रास्ता बना दिया जाता है सांस लेने के लिए। मतलब बच्चा जो है वो अभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड से मतलब नली से अभी भी माँ से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन वहां से ले रहा है और उसी समय उसको एक नली में छेद बना के उसका एक सांस की। तो ये यही एक रास्ता है उस बालक को जीवित रखने का। तो ये फॉर्चुनेटली बहुत कम होता है। जनरली पहले 2-3 दिन में प्रॉब्लम समझ में आ जाती हैं पीडियाट्रिशियंस के और तब इलाज उनका हो पाता है। सर ये डायफ्रेमेटिक हर्निया करके एक बीमारी होती है जो सोनोग्राफी में बहुत पहले पता भी चल जाती है, तो इसमें किस तरह का प्रिपरेशन लगता है और ये बच्चे कैसा करते हैं बाद में? डायफ्रेमेटिक हर्निया कॉमन प्रॉब्लम है, हर 5,000 बच्चों में एक बच्चे को डायफ्रेमेटिक हर्निया होता है। सरल भाषा में बताएं तो डायफ्राम में एक पर्दा है जो आपके साथ छाती और पेट के बीच में होता है, वो ज़्यादातर हर्निया बाएं साइड में होते हैं। जन्म के बाद क्योंकि होल है डायफ्राम में तो पेट के सारे अवयव जो है जैसे लीवर हो गया या इंटेस्टाइन होगी वो ऊपर चली जाती है छाती में और जो आपका फेफड़ा है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को सांस की परेशानी होती है जन्म के तुरंत बाद। एक्सरे, सिंपल एक्सरे जब कराते हैं तो उसमें वो दिखता है, कंफर्म हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों को पहले 2 या 3 दिन में उसका सर्जरी करते हैं और डायफ्रामेटिक हर्निया सर्जरी अगर सही समय पर डायग्नोज हो गया और उसको अगर कोई कार्डियक मतलब हृदय की कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है तो ऐसे बच्चे बिल्कुल अच्छा करते हैं, उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 95%। सर आपने कहा था कि आपको बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाते कि किस तरह से बच्चे ये प्रेजेंट करते, कब उन्हें पीडियाट्रिक सर्जन से मिलना चाहिए? ज़्यादातर बच्चों का जैसे हमने बताया कि एंटीनेटल डायग्नोसिस हो जाता है पहले जन्म से पहले जो सोनोग्राफी होती है। जन्म के बाद जैसे अगर मान लीजिए डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो जन्म के बाद ज़्यादातर बच्चे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रेजेंट होते हैं, बुखार आना, पेशाब में जलन, लूज मोशन, इस टाइप का प्रॉब्लम जो रहता है। कोई भी अगर आपका पेशाब कहीं स्टैग्नेंट हो रहा है, चाहे वो किसी ब्लॉक की वजह से हो या पेशाब उल्टे रास्ते से जाता है जिसको रिफ्लक्स कहते हैं, तो जब पेशाब स्टैग्नेंट होता है एक जगह पे ज़्यादा देर तक रुकता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और ज़्यादातर बच्चे जिनका डायग्नोसिस पहले नहीं हुआ है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके आते हैं, फिर उसकी जाँच कराई जाती है और फिर उसका इलाज कराया जाता है। और ये कुछ फाइमोसिस या ये बच्चे कैसे, मतलब इसको आप नॉर्मल भाषा में कैसे समझाते हैं या कैसे प्रेजेंट करते हैं ये बच्चे? फाइमोसिस ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला। जो लिंग के ऊपर चबड़ी होती है वो पीछे नहीं जाती है, फिर वहाँ पे गंदगी जमा होकर इन्फेक्शन हो जाते हैं। बच्चों को डिस्यूरिया होता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, बलूनिंग होता है, सूजन आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बार बार हाथ लगाते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। और तो माताएं जितनी हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चा कैसे बार बार उसको तकलीफ तो नहीं हो रही पेशाब करते समय या बार बार इन्फेक्शन या खुजली तो नहीं हो रहा। देखिए ज़्यादातर बीमारियाँ जो इमीडिएट केयर गिवर हैं जैसे माता है या दादी हैं उनके समझ में आ जाती हैं, उनको एक सिक्स सेंस रहता है, उनको पता चलता है कि इस बालक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भले ही उनको ये मालूम ना हो कि बीमारी क्या है। लेकिन ज़्यादातर माए या केयर गिवर्स हैं, दे हैव दैट सेंस एंड दे पिक अप वेरी अर्ली। सर एक बहुत इमोशनल या काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन था कि
आजकल सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों में आता है, तो क्या आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको सस्पिशन लगता है कि शायद किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होगा? देखिए, दुर्भाग्यवश बहुत सारे केसेस आते हैं और ज़्यादातर सर्जरीज नहीं लगती हैं। कुछ ही बच्चों में जो प्राइवेट पार्ट्स के टेयर वगैरह होते हैं वहाँ पर सर्जरी लगता है, लेकिन ये बड़ा ही दुखद विषय है। तो मतलब इसमें भी माँ और बहनें या जो भी उनका केयर ले रही, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे? जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये रिसर्च ये बताती हैं कि 50% से ज़्यादा ये दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं वो कहीं जान पहचान के ही लोग रहते हैं, पीड़ित के पहचान वाले होते हैं, तो ध्यान रखें जहाँ तक हो सके बच्चों को एकदम अकेला अनअटेंडेड ना छोड़े। बच्चों को भी आजकल गुड टच बैड टच ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो लेकिन हाँ विजिलेंट रहे, ध्यान रखें, वो तो जरूरी है। सॉरी सर, मैं आपका बहुत समय ले रही, पर सच में ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि सर ये हमारा ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये भी काफी कॉमन है ना सर? तो अगर सोनोग्राफी पे ऐसे दिख जाए बच्चे को में कि उसको क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है, तो इसमें आप किस तरह से पेशेंट्स के मतलब मदर को कैसे काउंसिल करते हैं? देखिए, क्लेफ्ट लिप कॉमन है और ये परफेक्टली करेक्टेबल सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो कोई भी सर्जरी करके ठीक करने वाली प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए टर्मिनेशन एडवाइस करना बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। कई बार देखिए, अब ऐसा हो गया है किसी को अबनॉर्मल या थोड़ा भी 19-20 प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन टर्मिनेशन की अपनी प्रॉब्लम है। जैसे आपने मान लीजिए गिरा दिया, तो अगला बच्चा ठीक होगा इसका कोई गारंटी है नहीं, इनफैक्ट अबनॉर्मल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और ये भी आप सोचिए कि अगर मान लीजिए ये आपको पहले से नहीं पता होता, तो जन्म के बाद तो इलाज कराते कि नहीं कराते? तो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसका इलाज करके पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, पूरा जिंदगी आराम से जी सकता है वो बालक, ऐसे इसमें टर्मिनेशन का ऑप्शन बिल्कुल ना चूज करें। आप अपना काउंसलिंग कराएं पीडियाट्रिक सर्जन से, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है और थोड़ा धीरज बनता है कि हाँ भाई ठीक है, कर सकते हैं। बेसिकली काउंसलिंग का यही काम होता है। पेरेंट्स देखिए, बालक का जन्म होना ये बड़ा ही आनंद का विषय होता है, लेकिन जब उसमें ये पता चलता है कि उसको कोई डिफेक्ट है तो बड़ा डर का माहौल बन जाता है। ऑब्वियस है, लोग डर जाते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम हमारे समाज में यह है कि जो भी बालक की प्रॉब्लम है उसका सारा दोष जो है वो उसकी माता के सर मन दिया जाता है। ये भी बिल्कुल बुरी धारणा है समाज में, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी माँ अपने बालक के लिए बुरा नहीं कर सकती, ये सृष्टि के नियमों के विपरीत है, ऐसे नहीं होता है। तो दूसरा, जैसा मैं कह रहा था कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम है और उसका इलाज करके बच्चे को ठीक किया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। यही बातें पेरेंट्स को समझाई जाती है ड्यूरिंग द काउंसलिंग। सर एक ये सच में लास्ट कि क्या कोई ऐसे पीडियाट्रिक काउंसलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो पेरेंट्स को काउंसिल कर सकें जब बच्चे को कुछ तकलीफ हो या जिनको लॉन्ग टर्म सर्जरी है? ऐसे कोई एनजीओज या ऐसे कोई सपोर्ट ग्रुप कुछ है क्या ऐसा जिनमें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के या इस तरह के, तो कोई सपोर्ट ग्रुप है? जी हर बीमारी के लिए तो नहीं है, आपको अपने पीडियाट्रिक सर्जन पर ही डिपेंड करना होगा। लेकिन कुछ जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, स्पाइना बाइफिडा हमारे देश में वन ऑफ द कॉमनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड, सबसे बुरी बीमारी है। 3% उसका रिस्क है हमारे यहाँ, और वो मेनली फॉलिक एसिड और ये चीज़ें का फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। थोड़ा इजी करके बताएंगे स्पाइना बाइफिडा मतलब? स्पाइना बाइफिडा वो बीमारी है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके कुछ पार्ट्स ठीक से बने नहीं होते हैं और जिसकी वजह से आपकी नसें उसमें अटक जाती हैं। ऐसे बच्चों को पाँव में पावर नहीं रहता, मतलब पाँव वो नहीं हिला पाते हैं, पेशाब और सिंडास का कंट्रोल नहीं रहता है, और 50% से ज़्यादा बच्चों को हाइड्रोकेफेलस मतलब सर के अंदर पानी ज़्यादा होना, ये काफ़ी बुरा बीमारी है। अब ये इस बीमारी का जो इलाज है वो लंबा चलता है, कई सालों तक इसकी इलाज होता है, मल्टीपल सर्जरीज लगती हैं, और इसके लिए मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर संतोष करमरकर बॉम्बे में हैं,
उनका एक स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन है जो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करता है उनके अलग अलग। तो अगर कोई पेरेंट है जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसका कुछ लिंक्स हम लोग इसमें शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, हमने आपका बहुत समय लिया और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर से किसी और विषय पे फिर से आपको ज़रूर डिस्टर्ब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम एंड स्पेशली दिस वीडियो वॉज रिकॉर्डेड फॉर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे। सो ये स्पेशल एपिसोड स्पेशली चिल्ड्रंस डे के इस पे बनाया था। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू।